लफ्जों में और अमल से उस जज्बे का इजहार है कि काश हम करबला में होते तो करबला में शहीद होने वालों के जनाजे कैसे एहतमाम से उठाते, हम होते तो ये जनाजे हरगिज रेगे गर्मे करबला पर बेगोरों कफन पड़े न रह जाते। इस जज्बे का इजहार है, एक इजहार होता है ना, इजहार होता है रुमूज की शक्ल में। आज की तरक्की याफ्ता कौमों में देखें, अमेरिका चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, बर्तानिया चले जाएं, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जिसे आप तरक्की याफ्ता समझते हो चले जाएं, वहाँ एहतजाज या मुजाहरे के लिए कुछ रुमूज मुकर्रर होते हैं। खुद ब्रिटेन में, इंग्लैंड में कैपिटलिज्म के खिलाफ जो लोग हैं, रोशन फिक्र तबका, वो कैपिटलिज्म के खिलाफ जब एहतजाज करता है तो एक जनाजा बना लेता है कैपिटलिज्म का और उसको उठा के चलता है। आप कहेंगे दीवानगी है? दीवानगी नहीं है, ये रस्म है? नहीं, अपने अफकार और ख्यालात और जज्बात का एक इजहार है, उनका इजहार उस मकाम पर। हमारे जज्बात क्या है? काश हम करबला में होते तो शहीद होते, और शहीद न होते तो कम अज कम हम शहादा के लाशें उठाते, उन्हें कफन पहनाते, उनसे नमाज पढ़ते, उन्हें सुपुर्द लहद करते। हम नहीं कर सके, और कैसे कैसे वफादार थे अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले। सरकार सैयद शुहदा का वो जानसार जिसका नाम खुर इब्न यजीद रियाही है, खबर, और वो जानसार जिसका नाम हबीब है, हबीब इब्न मजाहिर, हबीब, अल्लाह अकबर, हबीब, कोई और हबीब नहीं है, हबीब हुसैन है। ये हबीब का क्या अंदाज था, देखिए मोहब्बत का तज़किरा हो रहा था ना, बचपन ही से हबीब बच्चे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हबीब बन गए थे बच्चे। हबीब अपने पापा के साथ हुजूर की मजलिसों में जाते, हुजूर जब रास्ते में चलते थे और हुजूर के हाथों में इमाम हसन इमाम हुसैन की उंगलियां होती थी, रास्ता चलते थे, हबीब तवज्जो से देखते थे। लोगों ने एक मरतबा देखा, मुशाहिदा किया कि हबीब जैसे ही इमाम हुसैन अपना कदम उठाते हैं, उनके कदमों के नीचे से मट्टी उठा के अपने सर पे डालते। देखिए कब से कहां से परवान चढ़ती है, हुसैन चल रहे हैं, नन्हे नन्हे कदम आता हुसैन के लिए, जैसे ही कदम उठाया मिट्टी उठाई सर पे डाली, मिट्टी उठाई, पलट के देखा, बाप ने देखा, घर गए, बेटा तुम्हें हुसैन से बहुत मोहब्बत है, हाँ बहुत, हुसैन से बहुत मोहब्बत है। अजरकुम अल्लाह, मुझे मालूम है कि आप अपने बच्चों को चाहते करते, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक अजादार ने जब मुझसे कहा, मौलाना हमारे बच्चे तो, ये है हमारी तहजीब, मौलाना हमारे बच्चे तो माँ बाप का नाम बाद में याद करते हैं, हुसैन का नाम पहले याद। अजरकुम अल्लाह, इन दोनों सहाबियों ने इमाम हुसैन के हुर में भी और हबीब में भी इमाम की नुसरत और मदद की, और इस तरह से की कि उसका हक अदा कर दिया। और जो पौधे याद आ जाए, अगर आपकी इसी मुल्क शायद कैसे, और न जाने कितने लोगों की ये कैफियत होगी, मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मैं हुर हूं और अभी लश्कर यजीद में हूं। कितने लोग हैं जो इस कर्ब और बेचैनी से मुब्तला हैं, गुजर रहे हैं। हर, मुझे कहने दीजिए कि इस वक्त कुरै अर्ज का हर इंसान, हर शरीफ इंसान, हर करीम इंसान, हर नजीब इंसान, हर पाक तीनत इंसान किसी हुसैन जैसे रहबर और इमाम के इंतजार में है, और ये इंतजार भी एक उम्मत को तश्कील दे रहा है। ये इंतजार
एक इमाम आदिल का इंतजार, एक इमाम मासूम का इंतजार, एक कायद और रहबर आदिल का इंतजार। ये इंतजार एक खास उम्मत की तश्कील कर रहा है। मोहब्बत तश्कील दे रही है उम्मत को, इंतजार तश्कील दे रहा है उम्मत को। और मेरी दुआ है कि परवरदिगार जल्द हमें वो मंजर दिखाए जब हम हजरत सैयद शहदा के वारिस को अपने दरमियान देखें और बराह रात उनको फुर्सा दें और कहें हम आपको फुर्सा देते हैं। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज फौजन अज़ीमा, काश हम शहदाए करबला तुम्हारे साथ होते और हम भी बुलंद तरीन मरातिब पर फायज होते, हम भी हुर के कदमों पर नक्शे कदम पर आगे बढ़ते, हम भी हबीब के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते। अब मसाइब के जुमले भी बयान करने का पूरा मौका नहीं रह गया, बस दो फकरे कहूंगा फिर आप हैं। नौहा कीजिएगा, मातम कीजिएगा, खराज अकीदत पेश कीजिएगा, आंसू बहाइएगा, इसलिए कि आपके सामने शबीहें आएंगी, आलम आएगा, ताबूत लेकर आया जाएगा। ये एक अलामत है, एक रमज है, एक अलामत है सिर्फ इस जज्बे के इजहार के लिए कि काश हम होते तो बेगोर और कफन न छोड़ देते शुहदाए राह खुदा को। हुर और हबीब दोनों के ताल्लुक से बस एक एक जुमले, एक एक जुमले। हुर आका की खिदमत में आया, आंसू पलब हुआ, मुआफी मांगी और तन्हा नहीं आया था, अपने साथ अपने जवान बेटे को लाया था। हुर के साथ हुर के भाई भी आए थे, बाद रिवायतों में हुर का गुलाम आया था, हुर खुद आए थे, तन्हा नहीं आए थे, चंद अफराद और थे, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ तफसीलात हैं। हुर जब आए आंसुओं को बांध कर आए, आका की कदम बोसी की, आंसू पलब की, माफी मांगी और उसके बाद फौरन का आका इजाजत दीजिए जो गुस्ताखी हुई है मुआफ कीजिए और इजाजत दीजिए कि अब आपके ऊपर जान में फर्क करूं। आका ने इजाजत दी, इजाजत जब दी तो हुर ने सबसे पहले अपने जवान बेटे से कहा जाओ बेटा फर्जंद रसूल पर जान ने सार। बाज रिवायतों में है कि जनाब हुर के इस बेटे का नाम भी अली इब्ने हुर था, बेटे का नाम था अली इब्ने हुर। ये अली इब्ने हुर मैदान जंग में गया, जहां तक मुमकिन था जंग की, दुश्मनों को जेर किया, मगर कब तक जंग करता, दुश्मनों ने हल्का करके इस जवान को अपने हल्के में लिया। हर तरफ से तीर की बारिश होने लगी, हर तरफ से नैजे की बारिश होने लगी, तलवार की बारिश होने लगी। जवान बेटा घोड़े से गिरते गिरते उसने अपने बाबा को पुकारा, बाबा अब मैं जा रहा हूं दुनिया से, मेरी खबर दीजिए। कहते हुर जब पहुंचे हैं अपने जवान बेटे के सिहाने तो हैरत ज़दा हो गए, अपना गम भूल गए और एक मतलब कहा या हुसैन या अबा अब्दुल्लाह, ए फरजंदे रसूल, अरे गुनाहगारों पे ऐसा भी करम होता है। देखा हुसैन हुर से पहले अली इब्ने हुर के सिरहाने मौजूद हैं। आका हुसैन ने कहा हुर मैं क्यों ना आ जाता, इसलिए कि मुझे मालूम है बूढ़े बाप से जवान बेटे का लाशा नहीं उठता। वाह भैया आया आका, अभी कुछ ही देर के बाद आपको अली अकबर का लाशा उठाना, आनो मोहम्मद का लाशा उठाना पड़ेगा, कासिम का लाशा उठाना पड़ेगा। ये करम है आका का, ये करम है आका का। और हबीब के साथ भी आका का सुलूक इसी तरह से था, हबीब और मुस्लिम इब्ने औसजा के साथ भी आका का सुलूक इसी तरह से था। मैं अब इससे ज्यादा कुछ नहीं अर्ज कर सकता, बस ये समझ लीजिए अब उनके जज्बात का अपने लफ्जों में इजहार कर रहा हूँ। जब हबीब के सिरहाने पहुंचे होंगे सरकार सैयद शहदा तो हबीब का लाशा भी तड़प गया होगा, इसलिए कि हबीब से वसीयत करने वाले मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा था, मुस्लिम इब्ने औसजा हबीब दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, हबीब भी सहाबी पैगंबर, मुस्लिम इब्ने औसजा भी सहाबी पैगंबर, मुस्लिम इब्ने औसजा बुजुर्ग तरीन सहाबा में से थे, कुरान की तालीम देते थे, तमाम कूफे के बच्चे जवान उनके शागिर्द थे। और इन्होंने जब वाकए करबला में जान दी है सरकार सैयद शहदा पर, जख्मी होके गिरे, इमाम हुसैन हबीब इब्ने मज़ाहिर सामने आए, करीब आए और जनाब हबीब ने मुस्लिम से कहा, ए भाई मुस्लिम, मुझे यकीन है कि तुम्हारे बाद मैं भी शहीद हो जाऊंगा,
अगर मुझे यकीन होता कि तुम्हारे बाद जिंदा रहूंगा तो मैं तुमसे कहता कि जो भी वसीयत करना चाहते हो मुझसे करो, मैं तुम्हारी वसीयतों पे अमल करूंगा, मैं तुम्हारी वसीयतों पे नाफिज करूंगा। उस आलम में जब सर से पैर तक मुस्लिम इब्ने औसजा जख्मी हैं, रेगे घर में करबला पर एड़िया रगड़ रहे, एक मरतबा आंखों को फेरा है इमाम हुसैन की तरफ, हाथों से इशारा किया हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ और अपने दोस्त हबीब से कहा उसी का बेहाल इमाम मैं वसीयत कर रहा हूं जब तक भी जिंदा रहना तुम्हारे जीते जी एक तीर भी हुसैन तक ना पहुंचने पा। इधर मुस्लिम रवाना हुए तो हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाह, उधर हबीब जब रवाना हुए तो हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाह, आज हम भी कहते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिवन में बवाई ही व तस्लीम अल अमर इन्ना लिल्लाह।